समाचार अमीरगढ़ थी सामे आवी रह्या छे। अमीरगढ़ बनास नदी बे कांठे वहेता तंत्र द्वारा सावचेत रहेवा अपील करवामां आवी छे। ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને પગલે બનાસ નદીમાં ઘોડાપુરના દ્રશ્યો સર્જાયા છે। અમીરગઢની બનાસ નદી બંને કાંઠે વહેતી થતા દાંતીવાડા ડેમમાં પાણીની આવકમાં વધારો જોવા મળ્યો છે। અમીરગઢના નાના જળાશયો વરસાદને પગલે હાલ છલકાયાના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે। અમીરગઢમાં આવેલી મિની નદીઓ વરસાદને પગલે વહેતી થઈ છે। ઉપરવાસમાં આવેલા ડેમ ઓવરફ્લો થતા તંત્ર એલર્ટ પણ થયું છે। बनास नदी में वधु पानी नो आवरो होवाथी लोकोने नदी किनारे न जवा अमीरगढ़ मामलतदार द्वारा एलर्ट पण जाहिर करी देवामां आव्युं छे। साथे ज अमीरगढ़ना बनास नदीना किनारे वसता लोकोने सावचेत रहेवा मामलतदारे अपील पण करी छे। ओके सर, अमीरगढ़ तालुकानी अंदर हाल थोड़ो सरकारनी जे भारे वरसादनी आगाही छे एना संदर्भे अने आपणो तालुको जे माउंट आबू राजस्थान सरहदने अडीने आवेलो छे, एटले माउंट आबूमां ज्यारे भारे वरसाद थाय त्यारे बनास नदीनी अंदर भारेमां भारे पाणीनी आवक थती होय छे। अने आ पाणीनी आवक रही अमीरगढ़ तालुकानी मोटा भागनी नदीनो विस्तार आवरी ले छे, एटले वधारे पाणी आवे तो नदी नाळा फूल थवाना कारणे आम जनताने लोकोने नदी नाळा ओळंगवा नहीं के नदी नावामां नावा ना जाओ अने कोई अनिच्छना बना बने ते माटे अमे अमारुं व्हाट्सअप ग्रुप डिजास्टर मैनेजमेंट अमीरगढ़ एनी अंदर तमाम तालुका पंचायतना पंचायत तलाटी श्री रेवन्यू तलाटी श्री अने अधिकारी श्री अने संकलन नी अंदर पण अमे आ रीतना मेसेजो फॉरवर्ड करी अने वधामां वधारे तकेदारी राखवा माटेनुं पण अमे आयोजन करीए छीए। अने तालुका पंचायतना कर्मचारी छे जे फील्ड ऑफिसर छे पंचायत तलाटी श्री एमने पण अमे मार्गदर्शन सूचना आपी छे के वधुमां वधु लोकोने जागृतता लावो। खास जागृतता आपनी चेनल मार्फते ई लावानी छे के ज्यारे पण वरसाद बंद थशे तारे जारे उघाड़ निकलते त्याने घणा बधा लोको नदी नाळामां नावा आवता होय छे, ई जोया विचार्या समझ्या वगर नावा ना आवे। खास आपणी चेनलनी मार्फतथी आम जनताने कहेवानी खास अपील छे, कारण के कोई जग्याए मोटुं खनन थयुं होय के आवुं होय के कोई प्रश्न होय तो ई खाडो पड्यो होय तो त्यां जो नावा जाय तो त्यां डूबी जवानो प्रश्न बनेलो रहेलो छे, बराबर। एटले आपणी चेनल मार्फत आम जनताने खास विनंती छे के आजथी 10-15 दिवस पछी नावा आवती वखते विश्वेश्वर एक महादेवजीनी जग्या छे ત્યાં ઘણા શ્રદ્ધાળુ આવતા હોય છે અને નાતા હોય છે, તો જોઈ વિચારી સમજી અને નાવાનું અને સ્નાન કરવાનું રાખે એવી આપના માર્ગથી અપીલ કરું છું। બીએસએન ટીવી ન્યૂઝ સાથે દીપક પુરબિયા બનાસકાંઠા।